हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एकदम फ्रेश फ्रेश, और आज हम आपको लेके जा रहे हैं एकदम न्यू न्यू जगह, बोले तो नया नया प्लेस, दोनों मिक्स है ना, आई नो। सो आज हम जा रहे हैं इसको ओन टेम्पल। जैसे कि आपको पता है, एकदम अभी रिसेंटली रोहिणी के अंदर इसको टेम्पल ओपन हुआ है। तो गाइस आज हम जा रहे हैं वहाँ और आपको दिखाएंगे कैसा है वहाँ पर व्यू और लुक। मेरे को पता है बहुत आउटस्टैंडिंग होने वाला है, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, सो आप भी देखते रहिएगा। चलिए बताएँ, एंड यहाँ पे पार्किंग अवेलेबल है। ये देखिए बाइक्स की पार्किंग है, पूरे में लगी हुई है, और इसके पीछे कार पार्किंग है। बहुत अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पे। ये हमारा इस्कॉन टेम्पल है, इसके जस्ट बगल में ही भी साइड में है। तो ये पूरे में देखिए पार्किंग अवेलेबल है अपनी बाइक है, और ये पढ़ सकते हैं आप। वाई सो सीरियस? तो गाइस देखो, अप आते हैं बाइक से। बाकी आप अगर आप मेट्रो से आते हो तो आपके नियरेस्ट मेट्रो पड़ेगी रिठाला, और वहाँ से आपका जो कन्वेंस है मात्र 10 रुपये लगता है, और सीधा आपको इस्कॉन टेम्पल छोड़ेंगे। मेन रोड के ही पास पड़ेगा आपको, ज़्यादा दूर नहीं है। ये है फ्रंट से साइड से व्यू। अभी यहाँ पे काम प्रगति पर है, चल रहा है। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड से हैं, यहाँ पे हमने आप शूज उतार से खड़े से व्यू जाता हूँ आपको। ये फ्रंट से व्यू है, साइड से भी दिखाता हूँ आपको। बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, मैं आपको अंदर भी लेके चलता हूँ, दिखाते हैं अंदर से कैसा है व्यू। थोड़े हम कान्हा जी के दर्शन भी करेंगे। यहाँ से एंट्री है, यहाँ से आप सामान ले सकते हैं, और यहाँ से भी आप फूल माला वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। कई सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो चीज़ें होती हैं, देखिए गाइस ये ले सकते हैं आप। आपको अगर यहाँ से माला लेने वाली कंटी की माला भी यहाँ पे। चलो आप उनका सर ना, ये गाइस सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। So guys, we have reached, I think so. और हम पहुँच गए यहाँ से भी, यहाँ पे स्टेयर्स है, तो यहाँ से भी है, तो हम चलते हैं और ऊपर। झूमर लगे हुए बढ़िया है, वाओ। So guys हम पहुँच गए, देखिए बाहर का व्यू दिखाया था मैं ज़्यादा। सो ये चलते हैं अंदर।
जी मिले हमें, लोग आशीर्वाद। ये अपने को ये गुलाब यहाँ से हमारे राम श्री श्री परशुराम राम जी हैं, हमारे लक्ष्मण जी और सीता जी और हमारे हनुमान जी रघुनाथ जी। अब कबाड़ बंद हो चुके हैं, अब कबाड़ जो ओपन होंगे शाम 4:15 या सो गाइस। अब यहाँ पे हॉल खाली करने के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है, और वो जो यहाँ पे टाइम गया अभी क्या कहते हैं इसका, अभी 1 बजे हैं, कबाड़ बंद हो चुके हैं, और कबाड़ जो दोबारा ओपन होंगे होंगे 4:30 बजे। सो गाइस टाइम उसी के अकॉर्डिंग आए, या तो 4:30 बजे के बाद आएँ जो आप दर्शन कर पाओ बढ़िया से, या फिर 1 बजे से पहले पहले आएँ, क्योंकि 1 बजे कबाड़ ही बंद कर देते हैं। देखिए अब क्लोज हो चुके हैं, और आई फील सो ग्रेटफुल सो ब्लेस्ड बिकॉज ये मेरे को मिले हैं, ये राम जी के दर्शन वहाँ पे हो रहे थे तो वहाँ पे मिला है, और ये मेरे को किशन जी के यहाँ से मिले। ये देखिए गाइस दो दो है ना, लेकिन आई फील सो ब्लेस्ड। अब थोड़ा हम प्रसाद लेते हो जाएंगे वहाँ से, बाकी दिल खुश हो गया कसम से। फर्स्ट टाइम आया मैं यहाँ पे, पहली बार ब्लॉग भी यहाँ पे पहली बार बनाया मैंने इस्कॉन टेम्पल का, वो भी न्यू न्यू यहाँ पर ओपन हुआ है तो इसलिए बनाया, और देख लो ऊपर वाले का आशीर्वाद बाबा सच में अपने साथ है। देखिए गाइस पार्टी हो चुके हैं, वहाँ पे प्रसाद मिल रहा है तो हम प्रसाद लेते हुए जाएंगे, बाकी बाबा ने तो हमें प्रसाद दिया ही है, यहाँ से प्रसाद लेते हुए चलते हैं। लाइन प्रसाद गाइस, ओम हरि ओम। सो गाइस बहुत 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 बढ़िया वाले दर्शन हो गए हैं आपके भी ना, पता है मुझे ऐसे बने रहो ब्लॉग में, पता नहीं क्या क्या चीज़ें दिखाएंगे हम आपको। ये देखिए गाइस बाहर से नज़ारा, मज़ा आ गया गाइस। सो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड विद यू थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।